नागपुर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। स्वामी विवेकानंद पद संस्था नागभीड़ तथा कोजबी युवा फाउंडेशन कोजबीचक के संयुक्त विद्यमान से कोजबीचक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। गौरतलब है इस समय पूरे देश में कोरोना विषाणु के चलते अनेक रक्तदाताओं के अंदर एक भय निर्माण हो गया है, जिससे रक्तदाताओं की संख्या घट गई है, जिसके कारण राज्य के पूर्व वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने रक्तदान करने का आह्वान जनता को किया। इस आह्वान को प्रतिसाद देते हुए शुक्रवार को नागभीड़ तहसील के कोजबीचक के प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र में रक्तदान शिविर का उद्घाटन कोजबी के पुलिस पाटिल नारायण परवते ने किया। इस मौके पर स्वामी विवेकानंद पद संस्था के अध्यक्ष व जिला परिषद सदस्य संजय गजपुरे, भाजपा के पूर्व तालुका अध्यक्ष होमदेव मेश्राम, सरपंच रविंद्र परवते, फाउंडेशन के संयोजक विशाल गोपाले, उप सरपंच दीपक भंडारे, ब्रह्मपुरी रक्त सेवा समिति के अध्यक्ष स्वप्निल अलगदेवे, सचिव प्राध्यापक सुयोग बाड़बुद्धे, सदस्य प्राध्यापक विशाल लोखंडे, पद संस्था के संचालक मनोज कोहाट आदि की उपस्थिति थी। रक्त पेटी गढ़चुली के सहयोग से हुए इस शिविर में 31 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया और वहीं 27 रक्तदाताओं ने रक्तदान के लिए हमेशा उपलब्ध होने के संबंध में अपना नाम दर्ज किया। इस मौके पर रक्तदाताओं को संस्था अध्यक्ष संजय गजपुरे, रक्त पेटी गढ़चुली के जनसंपर्क अधिकारी सतीश तड़कालावार तथा रक्त संक्रमण अधिकारी डॉक्टर किशोर ताराम के हाथों प्रमाण पत्र दिया गया। इस रक्तदान शिविर को नागभीड़ के तहसीलदार चौहान और नायब तहसीलदार भांगरे ने सदिच्छा भेंट दी। शिविर के स्थान पर स्वच्छता तथा सोशल डिस्टेंस का पालन किए जाने पर तहसीलदार चौहान ने सभी का कौतुक तथा समाधान व्यक्त किया। इस शिविर की सफलता के लिए विशाल गोपाले, रविंद्र पर्वते, धूमदेव देशमुख, प्रमोद मस्के, भास्कर राउत, विनोद गिरटकर, साथ ही आरोग्य केंद्र की परिचारिका, आशा वर्कर, फाउंडेशन के सदस्य और ग्राम पंचायत सदस्यों ने सहकार किया। सीटीवी के लिए हमारे विशेष प्रतिनिधि अमर बुद्धार पौर की रिपोर्ट। स्वामी विवेकानंद पत संस्था नागभीड़ व कोजबी युवा फाउंडेशन कोजबी चकच्या संयुक्त विद्यमान काल आम्ही कोजबी येथे रक्तदान शिबिर आयोजित केलं होतं। त्याला युवकांनी मोठ्या प्रमाणावर प्रतिसाद दिला। 31 जणांनी रक्तदान केलं व जवळपास 27 जणांनी आम्ही रक्तदानासाठी तयार आहोत असं त्यावेळी आम्हाला सांगितलं। रक्तपेढी गडचिरोली व ब्रह्मपुरीचे जे रक्त समिती आहे त्यांचे अध्यक्ष स्वप्निल अलगदेवे व प्राध्यापक सुयोग बाळबुधे यांनी सुद्धा आम्हाला फार मोठं यासाठी सहकार्य केलं। युवा फाउंडेशनचे संयोजक विशाल गोपाले, सरपंच रवी पर्वते आणि स्वामी विवेकानंद पतसंस्थेच्या सर्व संचालकांनी यासाठी आम्हाला खूप मोठं सहकार्य केलं। रक्तदान हे सर्वश्रेष्ठ दान आहे, यासाठी मी सर्वांचं केलेल्या रक्तदात्यांचं खूप खूप अभिनंदन करतो। यापुढेही अशा सार्वजनिक आणि सामाजिक उपक्रमात आमची स्वामी विवेकानंद पतसंस्था सातत्यानं अग्रेसर राहील।